आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। मैन्युफैक्चर एसोसिएशन चिरकुंडा एवं टेरी के सौजन्य से कुमार दुबे क्लब में आत्मनिर्भर भारत के तहत चलाए जा रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में चिरकुंडा क्षेत्र के जाने माने उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बजरंग जालान ने बताया गया कि भारत सरकार किस तरह मूर्त रूप प्रदान करने हेतु कई कंसल्टेंट फर्मों का सहयोग ले रही है, जो सरकार 2030 तक इस क्षेत्र के उद्योगों को आगे लाने हेतु सरकार को अपने सलाह देगी। रिफैक्टरी उद्योग की समस्याओं और समाधान हेतु टेरी नामक संस्थान को अधिकृत किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुमार दुबे क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग से जुड़े लोगों से उनकी समस्याओं को जानने और उनके समाधान हेतु चर्चा की गई। डीडी क्लीन को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि कम ऊर्जा खपत में बेहतर परिणाम दे सके। टेरी की पदाधिकारी पवन कुमार तिवारी ने बताया कि छोटे छोटे यूनिट को कैसे बेहतर किया जाए, उनकी हर समस्या को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को ब्यूरो ऑफ इफिशिएंसी को स्वर्ड किया जाएगा। वहां से सारी समस्या पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें चिरकुंडा क्षेत्र के दर्जनों उद्योगपति मौजूद थे। निरसा से अनुजीत सेन की रिपोर्ट। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक रिफ्रैक्टरी सेक्टर के लिए एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी के लिए रोड मैप डेवलप हो रहा है। तो ये आज उसकी इंसेप्शन मीटिंग है, बेसिकली शुरुआत है कि हमें रोड मैप कैसे डेवलप करना है। एंड ये बेसिकली 1 ईयर का प्रोग्राम है, जिसके अंडर में हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी करके एनर्जी एफिशिएंसी और रिसोर्स एफिशिएंसी, जिसमें कोल और रॉ मटेरियल आ जाता है, उसको कैसे चैनल क्रिएट करें जिससे कि हमारी इंडस्ट्री सस्टेनेबल हो। आज इसी के लिए हमने एक इंसेप्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जर्मा और अदर स्टेक होल्डर्स। कब तक धरातल पर उतारने की उम्मीद है सर? इस प्रोजेक्ट का 1 ईयर में पॉलिसी लेवल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो नोडल बॉडी है इस प्रोजेक्ट के लिए, दे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट विद इन 1 ईयर। सरकार एक प्रोग्राम ली है 2030 तक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के रोड मैप डेवलप करने के लिए। 2030 तक हम आत्मनिर्भर भारत के तहत इस कार्यक्रम को लिया है कि जिसमें इंडस्ट्री को आगे बढ़ाकर हम 2030 तक इस लेवल में ले आए जो हम वर्ल्ड पावर को कम्पीट कर सकें। वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें हमारे चिरकुंडा से रिफ्रैक्ट्रीज को किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, और रिफ्रैक्ट्री इंडस्ट्रीज को क्या क्या सुविधाएँ हैं और क्या क्या सुविधाएँ प्रदान कर सकती है सरकार, जिससे कि हम वर्ल्ड क्लास मटेरियल बना सकें और कम्पिटिटिव रेट्स में बना सकें, उसके लिए ये सर्वे चल रहा है। एक सेमिनार हुई है, ये पहली सेमिनार है इस विषय के ऊपर। आगे भी सेमिनार्स होंगी, आगे भी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो इनको हम बताएंगे, उसका समाधान भारत सरकार देगी। और 2030 तक भारत सरकार का जो एक प्रोजेक्ट है कि इंडस्ट्रीज को सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत के तहत करना है।